हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से बोल रहा हूँ। और ये जो वीडियो मैं आज आपके सामने लाया हूँ, ये वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर। पर उससे पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मेरा चैनल है लर्न टेक टू टेक, उसको आप सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और उसके बगल में बेल है, उसे ज़रूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द कंसेप्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग के कंसेप्ट को समझते हैं। तो उस एक्सेप्शन हैंडलिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको मैं रन करता हूँ, जिसमें सिंपली मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एरे टाइप का, और उसका साइज हमने 3 रखा है। तो 3 साइज का मतलब ये होता है कि जो है नम जो एरे डिक्लेयर हुआ है उसका साइज कितना है, 3 है। दैट मीन्स देर आर 3 एलिमेंट, नम 0, नम 1 एंड नम 2। बट यहाँ पर जो हम प्रिंट करना चाह रहे हैं वो वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं नम 3 का, दैट मीन्स थर्ड एलिमेंट का, जबकि इस एरे में थर्ड एलिमेंट है ही नहीं। यहाँ पर नंबर इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इसका साइज 3 है। तो इसका मतलब नम 3 एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। तो चलिए देखते हैं, नम 3 एलिमेंट नहीं है तो ये क्या आउटपुट देता है। तो मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ, जावा सी डेमो डॉट जावा, और उसके बाद मैं लिखता हूँ जावा डेमो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, यहाँ एरर आ रहा है और आपका प्रोग्राम बीच में ही रुक जा रहा है। दैट मीन्स आपका प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें एक छोटी सी भी एरर आ जाती है और आपका जो प्रोग्राम है वो कैपेबल नहीं है उस एरर को हैंडल करने के लिए, तो आपका वो प्रोजेक्ट रुक जाएगा और वो प्रोजेक्ट आगे नहीं चलेगा। और इस तरह से जो है आपका जो सॉफ्टवेयर होगा या जो आपका प्रोजेक्ट होगा वो फेल्योर हो जाएगा एक छोटे से एक्सेप्शन के लिए। तो यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हमें इस एरर को हैंडल करने की ज़रूरत है कि हम इस एरर को रन टाइम पे कैसे हैंडल करें। तो जो रन टाइम पे, क्योंकि आपने देखा जब इसको मैंने कंपाइल किया तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आया, जबकि इसको जब मैंने रन किया तब एरर आया। इसका मतलब क्या है, ये रन टाइम एरर है, क्योंकि कंपाइल टाइम में एरर यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ सारे सिंटैक्स अप्रोप्रिएट हैं। तो कंपाइल टाइम एरर यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर रन टाइम एरर होगा। तो जो रन टाइम एरर है, जो रन टाइम में आपके एरर्स आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। और रन टाइम के एरर को आप पहले से नहीं पता कर सकते हैं, तो रन टाइम एरर को जब आप हैंडल करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्योंकि सपोज दैट आप कोई डिवीजन का प्रोग्राम है और आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि दो नंबर आप लीजिए और उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब यूजर ने सपोज दैट जो है न्यूमरेटर तो उसने नॉन जीरो लिया, पर डिनोमिनेटर को उसने जीरो ले लिया, तो आपको पता है कि किसी नंबर को भी हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो वहाँ पर आपका प्रोग्राम एरर थ्रो करेगा, क्योंकि आपका प्रोग्राम सही है और आपको नहीं पता है कि यूजर क्या इनपुट देगा। तो दैट मीन्स वहाँ पर रन टाइम एरर के चांसेस है। पर आप उस रन टाइम एरर को इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, पर आप उस रन टाइम को एरर को हैंडल कर सकते हैं ताकि आपका प्रोग्राम रुके ना। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करें तो उसमें कुछ ब्लॉक्स होते हैं, जैसे ट्राई ब्लॉक, उसके बाद कैच ब्लॉक और उसके बाद फाइनली। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ट्राई ब्लॉक को, तो जिस जहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो होने के चांसेस हैं, उस कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर एरर आ रहा था रन टाइम में, तो मैंने यहाँ पर इस ब्लॉक को किस पे लिखा, ट्राई ब्लॉक को। उसके बाद आता है कैच। कैच ब्लॉक में आपको क्या करना है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी एरर आने के चांसेस हैं उसको आपको हैंडल करना है। उसके लिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब मैंने एरर आया तो वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आया, मतलब एरे का जो इंडेक्स है वो आपका लिमिट से, रेंज से बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हम उसको कैच कर रहे हैं, और कैच कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एरर आता है तो हम वहाँ पर, हमारा काम रुके ना, वहाँ पर जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि ये एरर आपके पास है और हमारा प्रोग्राम एज इट इज़ कंटिन्यू चलता रहे। तो यहाँ पर कैच फंक्शन क्या करेगा, आपका जो भी एरर आएगा उसको सिस्टम को नहीं देखे वो अपने कैच कर लेगा और उसको अपने अकॉर्डिंग, आपका प्रोग्राम अपने अकॉर्डिंग उसको हैंडल करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं रॉबस्टनेस फीचर। जहाँ पर कोई भी आपका एरर आ रहा है तो उसको आप खुद हैंडल कर रहे हैं, जितने भी पॉसिबल एरर, पर आपको पता होना चाहिए कि पॉसिबल एरर क्या क्या हो सकते हैं। और यहाँ पर जैसे हमने केवल एक एरर को हैंडल किया है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, उसी तरह आप मल्टीपल कैच स्टेटमेंट देके मल्टीपल एरर्स को भी हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको
एक्स पर्टिकुलर एक्सेप्शन का नाम याद नहीं है तो आप सिंपली एक्सेप्शन और उसके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए, जब ये एरर थ्रो करेगा, तो जैसे ही एरर थ्रो करेगा कैच उसको रिसीव करेगा और उस जो भी एरर आया है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एरर आएगा, तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है और फिर उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। इसे क्या होता है कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो भी एरर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रहा है। और साथ ही साथ चूँकि जो एरर का जो अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन होता है, हो सकता है वो थोड़ा पेचीदा हो, जो एक नॉर्मल यूजर उसको नहीं समझ में आए, तो आप अपना भी जो है एक मैसेज है वो दे सकते हैं, जैसे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने एक इंडेक्स आउट ऑफ रेंज लिखा, जिसको कोई भी समझ सकता है। अच्छा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो मेरा एरे है उस एरे का जो रेंज से बाहर मैं जा रहा हूँ। उसके बाद फाइनली ब्लॉक आता है, ये एक ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। तो फाइनली ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जो चाहे एक्सेप्शन थ्रो हो चाहे एक्सेप्शन नहीं थ्रो, ये वाला फाइनली ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा ही। तो आप सोच रहे होंगे इस फाइनली ब्लॉक का क्या रोल है यहाँ पर। एक्चुअली जब आप सपोज दैट यू आर वर्किंग विद पॉइंटर और समथिंग एल्स, सपोज दैट यहाँ तो पॉइंटर यूज नहीं होते हैं, पर आप सपोज दैट कुछ फाइल्स ओपन किए हैं और उस पर आपने वर्क किया है, तो आप चाहेंगे कि चाहे मेरा प्रोग्राम प्रॉपरली रन हुआ हो चाहे नहीं रन हुआ हो, जब हम बाहर निकले तो मेरा सारे जो फाइल्स है प्रॉपरली क्लोज हो जाए, सेव हो जाए, सारे चीज़ हो जाए, तो आप उस तरह का जो कमांड्स है या उस तरह के जो स्टेटमेंट्स हो आप फाइनली ब्लॉक में लिखेंगे। पर यहाँ मैंने फाइनली ब्लॉक में क्या लिखा है कि नम का जो जीरो पोजीशन है उस पर मैंने एक वैल्यू डाला है, वन पोजीशन पे एक वैल्यू डाला और दोनों को डिस्प्ले किया है, और सिंपली दिखलाने के लिए कि फाइनली ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो रहा है उसके लिए मैंने एक मैसेज छोड़ा है जिसका नाम है फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर हम एरर को हैंडल कर रहे हैं कि जो भी ब्लॉक लगता है कि उस पर एरर आ सकता है उसको आप ट्राई ब्लॉक में लिखें, उसके बाद जो एरर है उसको हैंडल करने के लिए आप कैच स्टेटमेंट लिखें। बहुत सारे एक्सेप्शन आपको मिल जाएंगे किसी भी बुक में और कहीं भी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस के नाम मिल जाएंगे, आप अपने अनुसार उस एक्सेप्शंस को चूज करें कि कौन सा एक्सेप्शन को आप हैंडल करना चाहते हैं। जैसे आप सपोज दैट डिनोमिनेटर जीरो डालते हैं तो उसमें डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन आता है, और उसके बाद उस एक्सेप्शन को आप अपने अनुसार हैंडल करें। जैसे आप देखें मैंने खुद अपने अनुसार हैंडल किया है, तो यहाँ पर प्रोग्राम आपका नहीं रुकेगा और उसके बाद फाइनली स्टेटमेंट तो रन होगा ही, क्योंकि चाहे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चाहे आपका जो है एक्सेप्शन थ्रो करे चाहे नहीं करे, आपका प्रोग्राम श्योरली एग्जीक्यूट होगा। तो ये एक छोटा सा एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्राम है। तो मैं फिर से एक नट सेल में बता देता हूँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब ये है कि जब आप कोई रन टाइम एरर को रन टाइम में ही हैंडल करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, और एक्सेप्शन मीन्स रन टाइम एरर। तो चलिए मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, पर रन करने से पहले इसमें छोटा सा एक हम चेंजेज करेंगे। यहाँ पर जो हमने वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन वो हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर किया है, तो ये इस ब्लॉक के अंदर लोकल हो जाएगा, तो अगर हम उसे फाइनली ब्लॉक के अंदर एक्सेस करना चाहेंगे तो उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसको मैं जो है कट करता हूँ और इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, तो ये आप बाहर चला गया। इसका मतलब यह है कि अब जो है डिक्लेरेशन वाला जो पार्ट है, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेरेशन का पार्ट है, उसको आप ट्राई ब्लॉक के बाहर रख सकते हैं, क्योंकि ट्राई ब्लॉक के अंदर रखेंगे तो उसके लिए लोकल हो जाएगा और उसको आप बाहर दूसरे ब्लॉक में यूज नहीं कर सकते। तो चलिए इसको अब हम फिर रन करते हैं, तो हम इसको सेव करते हैं और उसके बाद हम रन करते हैं। हमने लिखा क्लियर स्क्रीन जावा सी एक्सेप्ट वन डॉट जावा, फिर जावा एक्सेप्ट वन। तो आप देख रहे हैं एक्सेप्शन पहले इसने थ्रो किया, फिर इसने मैसेज दिया कि आप इंडेक्स जो है आउट ऑफ रेंज ले रहे हैं, और उसके बाद मैंने दो वैल्यू इसमें डाले हैं 23 और 34, वो डिस्प्ले हो रहा है, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है एक्सेप्शन को हमने हैंडल किया। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम नहीं रुका जैसे कि पहले का प्रोग्राम रुक रहा था। जैसे मैं फिर से रन करूँगा डेमो डॉट जावा, तो ये कंपाइल तो हो रहा था, पर जैसे ही हम इसको रन कर रहे थे उस पर एरर आ रहा था। ठीक है, यहाँ कैपिटल लिखना पड़ेगा डेमो, तो यहाँ पर एरर आ रहा था कि ये एरर आपके पास है, पर यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम में एरर नहीं आ रहा है कि इसको रन टाइम में हमने इसको हैंडल किया है, और वो एरर हमारा है। देखिए यहाँ पर चाहे
यहाँ पर हमारा एरर आ चुका है, पर ये इस प्रोग्राम को नहीं रोका उसने, एक क्योंकि मैं उस एरर को हैंडल कर लिया, क्योंकि मैंने बता दिया कि एरर के बारे में मुझे पता है, और वहाँ पर मैंने एक मैसेज डाल दिया इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, और उसके बाद फिर से मेरा जो अपना काम है उसको मैंने कंटिन्यू किया। तो इस तरीके से जो आप एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। मैं कोशिश करूँगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड एक आध वीडियो और लाऊँ, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।